देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो एटीएम मशीन तक को अपना निशाना बनाने से चूक नहीं रहे। और ऐसी ही एक वारदात हुई है कंझावला इलाके में, जहाँ दो बदमाशों ने एटीएम से कैश लूटने की कोशिश की है। हालांकि एटीएम का जो गार्ड था वो वहाँ मौजूद था और उसकी बहादुरी की वजह से बदमाशों की ये कोशिश नाकाम हो गई। दो बदमाशों ने एटीएम से कैश लूटने की कोशिश तो खूब की, लेकिन वो नाकाम साबित हुए। बदमाशों के मंसूबे को नाकाम किया एक गार्ड की बहादुरी ने। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें दिल्ली के कंझावला इलाके की हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि हेलमेट पहने दो बदमाश बाइक से उतरते हैं। एक बदमाश पिस्तौल लेकर गार्ड को धमकाने लगता है, गार्ड की बंदूक छीनने लगता है और डराने के लिए हवा में फायर भी करता है। इस बीच दूसरा बदमाश पिस्तौल लेकर एटीएम बूथ की तरफ बढ़ता है। लात मारकर वो एटीएम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। नाकाम होने पर वो एटीएम के शटर को ऊपर उठाता है। तभी एटीएम बूथ से नीले रंग की शर्ट पहने एक शख्स बाहर निकलता है। हेलमेट पहने दोनों बदमाश गार्ड से उलझे थे, इसलिए वो शख्स वहां से चुपचाप चलता बना। लेकिन बदमाश एटीएम से कैश लूटे बगैर जाने को तैयार नहीं थे। गार्ड लगातार बदमाशों का विरोध कर रहा था और उन्हें एटीएम लूटने से रोक रहा था। गार्ड की बहादुरी के आगे जब बदमाश अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने गार्ड को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। थोड़ी देर बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घायल गार्ड को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। गार्ड खुद तो जख्मी हो गया, लेकिन उसने अपनी बहादुरी से बदमाशों की एटीएम लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन।